लोकसभा चुनाव में 188 दिन का वक्त बाकी है और हर बीतते दिन के साथ चुनावी लड़ाई धारदार होती जा रही है। हर पार्टी राज्यों के हिसाब से अपनी रणनीति तय कर रही है, जिसे लेकर आज एक बड़ा ऐलान हुआ है। यूपी में कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय ने साफ कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी के भी वाराणसी से चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए गए हैं। यानी यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस अब कमर कस चुकी है, जिसकी शुरुआत होगी अमेठी से, जहां कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में एक बार फिर से अपनी खोई हुई जमीन दोबारा पाने की करेगी कोशिश। क्या अमेठी में फिर राहुल गांधी एक बार चुनाव लड़ेंगे? क्या अमेठी में एक बार फिर राहुल स्मृति की टक्कर देखने को मिलेगी? यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है, जहां एक बार फिर राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया है। इस बार राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। साफ है, अमेठी में एक बार फिर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की टक्कर देखने को मिल सकती है। वो अमेठी जिसे कांग्रेस की पारंपरिक सीट माना जाता है, वो अमेठी जहाँ से स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को सबसे बड़ा सियासी झटका दिया था। अमेठी के सियासी मैदान में स्मृति ईरानी और राहुल का मुकाबला एक एक की बराबरी पर चल रहा है। जहां पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने करीब 55,000 वोट से राहुल गांधी को मात दी थी, जबकि 2014 में हुए मुकाबले में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को करीब 90,000 वोटों के अंतर से मात दी थी। 2019 लोकसभा चुनाव में 21 साल बाद कांग्रेस अमेठी की सीट से हारी थी, जबकि इस सीट से 2004, 2009 और 2014 के चुनाव में लगातार 3 बार राहुल गांधी सांसद बने थे। अमेठी सीट की अहमियत को इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ गांधी परिवार के 4 सदस्य चुनाव लड़ते रहे हैं। सोनिया गांधी ने अपने सियासी सफर के लिए भी अमेठी को चुना था, जिसे बाद में राहुल गांधी को सौंपा। वहीं राजीव गांधी 4 बार अमेठी से सांसद रहे। वहीं 1 बार संजय गांधी भी अमेठी की सीट से संसद तक पहुंचे थे। सिर्फ अमेठी की नहीं, कांग्रेस मोदी के गढ़ वाराणसी को भी टारगेट करने का प्लान बना सकती है, जहां अजय राय ने संकेत दिए हैं कि अगर प्रियंका गांधी चाहें तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है। जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा। अमेठी की पूरी जनता और उत्तर प्रदेश की पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि श्री राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़े, और पूरा अमेठी चाहता है कि स्मृति ईरानी जी के झूठ के छल को, कपट को, प्रपंच को खुलासा किया जाए। तो कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं, अजय राय जी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इच्छा को बल दिया है। बाकी फैसला CWC को, कांग्रेस अध्यक्ष को, स्वयं श्री राहुल गांधी जी को करना है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। मैं विपक्ष और कांग्रेस के साथियों से कहूंगा, और खास करके राहुल गांधी जी से कहूंगा कि इस बार आप अपनी अम्मीजान की सीट बचाने का प्रयास करिए, क्योंकि हम 80 की 80 सीटें भाजपा या जीतने जा रही उत्तर प्रदेश में, और अमेठी ने तो पहले ही आपको छोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने 30 साल पहले ही कांग्रेस को छोड़ दिया था, तो अब 1 सीट बची है, उसको बचाने का प्रयास करिए, वो भी बचने वाली नहीं है। साफ है, कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन को खोना नहीं चाहती। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी चुनाव हारने के बावजूद अमेठी को छोड़ने वाले नहीं है। हालांकि स्मृति ईरानी अक्सर अमेठी में राहुल की हार को लेकर तंज कसती रही हैं। आज अमेठी में तो सीधे कांटे की टक्कर की लड़ाई हुई, सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। एक तरफ एक परिवार था, दूसरी तरफ एक संगठन था जो परिवार की तरह काम करता है। तो आज अगर श्रेय देना है तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि हमारे संगठन को और स्वयंसेवकों को श्रेय देना चाहिए। और अगर आज की जीत मैं किसी को समर्पित कर पाऊँ तो वो कार्यकर्ता जो मौत के घाट उतारे गए केरल में और बंगाल में, ये उनको और उनके परिवारों के प्रति इसको मैं समर्पित करना चाहूँगी। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर और भाजपा के संगठन पर राहुल गांधी जी ने इतना विश्वास व्यक्त किया कि वो आश्वस्त हैं कि हम अमेठी की देखभाल करेंगे। कांग्रेस जानती है कि पारंपरिक सीट को छोड़ना उसकी आगे की राह को और मुश्किल कर सकता है। देखिए, भले राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ने का अगर उन्होंने मन बनाया है, तो जनता ने भी अब ये मन बना लिया कि अमेठी का फैसला वहां की जनता करेगी। और जिस तरीके से अमेठी की जनता ने कांग्रेस मुक्त अमेठी किया, और राहुल गांधी जी अगर फिर से चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम वही 2019 का परिणाम था, वही परिणाम फिर से
अमेठी की जनता 2024 में भी दोहराने का अमेठी की जनता ने पूरा मन बना लिया। यही वजह है कि अमेठी जैसी सीट पर भले ही पिछला चुनाव राहुल हार गए हो, लेकिन कांग्रेस यहीं से राहुल के जरिए पूरे यूपी को संदेश देने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान ने हलचल मचा दी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि अमेठी की जनता बीजेपी के सामने राहुल को पहले ही नकार चुकी है, लेकिन अपनी जमीन को तलाश रही कांग्रेस पार्टी अब एक बार फिर से राहुल गांधी के चेहरे के साथ उत्तर प्रदेश में अमेठी की सीट पर दांव लगाती नजर आती है। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच कहीं ना कहीं घर वापसी का एक बड़ा मौका और यूपी में बीजेपी को चुनौती देने के लिए अपने गढ़ की वापसी के तौर पर राहुल गांधी की अमेठी की वापसी को देखा जा रहा है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा आज तक। अमेठी वो सीट है जहां गांधी परिवार के चार सदस्यों ने अपने सियासी करियर की शुरुआत की, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। अगर गांधी परिवार की ही बात कर ले तो संजय गांधी के बाद अमेठी से हारने वाले राहुल गांधी दूसरे सदस्य बने थे। इमरजेंसी के दौरान 1977 में संजय गांधी को यहां से शिकस्त मिली थी। वैसे मौजूदा हालात में राहुल की राह अमेठी में आसान होती नहीं दिख रही है, क्योंकि 2004 में राजनीतिक सफर शुरू करने वाले राहुल गांधी को अमेठी में करीब 67% वोट मिले थे, जो कि 2009 में 72% तक जा पहुंचे थे। लेकिन स्मृति ईरानी की एंट्री के साथ अमेठी का खेल बदलने लगा। 2014 के चुनाव में राहुल गांधी का वोट प्रतिशत घटकर 47 तक पहुंच गया, तो वहीं स्मृति ईरानी को करीब 34% वोट मिले। और 2019 में तो स्मृति ईरानी ने इतिहास रच दिया जहां उनका वोट प्रतिशत 50 तक पहुंच गया, जबकि राहुल गांधी 44% वोट तक ही सिमट गए। और स्मृति ईरानी ने मौजूदा वक्त में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे को यूपी की सियासत से बाहर कर दिया। जिस वक्त कांग्रेस यूपी के नए अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, उस वक्त राहुल गांधी की तस्वीर लद्दाख से सामने आई, जहां वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और पारंपरिक नृत्य कर आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों के साथ ताल से ताल मिला रहे हैं। राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर हैं, जहां से वो करगिल भी जाएंगे। वैसे सियासत में कहा जाता है कि दिल्ली का सफर लखनऊ के बिना अधूरा है। यही वजह है कि कांग्रेस यूपी को लेकर खास प्लान तैयार कर रही है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि प्रियंका के भी सियासी मैदान पर उतरने की अटकलें तेज हैं, जहां एक बार फिर प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि कई बार रायबरेली से भी प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें आती जाती रही हैं। लेकिन वाराणसी की क्या अहमियत है यूपी की सियासत में, आइए उसको समझते हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी। क्या प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी? क्या वाराणसी में मोदी के खिलाफ कांग्रेस का चेहरा प्रियंका गांधी होंगी? लड़ाई सिर्फ अमेठी की नहीं है, कांग्रेस मोदी के गढ़ वाराणसी को भी टारगेट करने का प्लान बना सकती है। जहां अजय राय ने संकेत दिए हैं कि अगर प्रियंका गांधी चाहें तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है। और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ दे। सबसे बड़ी बात, अजय राय खुद वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पिछले दो बार से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलें लगी, लेकिन प्रियंका राजनीति की मुख्य धारा में नहीं उतरी। प्रियंका को सियासी जिम्मेदारी यूपी की ही सौंपी गई, लेकिन मुख्य धारा में ना उतरने का खामियाजा कांग्रेस को मिला, जिसे प्रियंका कुछ खास फायदा नहीं दे सकी। कुछ दिन पहले ही रॉबर्ट वाड्रा ने भी प्रियंका के लोकसभा में होने की बात कही थी। वहीं कई नेता प्रियंका को वाराणसी से चुनाव लड़ने की सलाह दे चुके हैं। वाराणसी तुम जर प्रियंका गांधी निवडणुकीला उभ्या राहिल्या तर मोदींना वाराणसी सोडणं कठीण जाईल आणि प्रियंका गांधी जिंकतील असं मला खात्री आहे। वाराणसी जरूर, जैसे उन्होंने राहुल को हटाया, क्रोनोलॉजी करते हैं ये कि अगर कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ बोल रहा है तो उनको प्रेशर डाल के ईडी का हो या अपने कानूनी तौर से या कोई भी तौर से कि उनको
वहां से उसको उनको उनका या तो हटाएं या उनका फाउंडेशन हिलाएं। इतना तो साफ है कि कांग्रेस की नजर एक बार फिर पूर्वांचल पर है, लेकिन क्या पूर्वांचल के वोट बैंक को साधने के लिए प्रियंका की एंट्री वाराणसी से होगी? हालांकि कांग्रेस इस बार पूर्वांचल को ध्यान में रखकर 2024 की जंग लड़ने वाली है। कांग्रेस के लिए पूर्वांचल की अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि प्रियंका गांधी के सियासी सफर की शुरुआत पूर्वांचल की जिम्मेदारी के साथ हुई थी। यही वजह है कि अजय राय को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अजय राय बीजेपी और समाजवादी पार्टी से होते हुए कांग्रेस में आए हैं, जिनकी पूर्वांचल में अच्छी पकड़ है। 2014 और 2019 में अजय राय पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ऐसे में अजय राय के जरिए कांग्रेस एक बार फिर सवर्ण वोटर को वापस लाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले बृजलाल खाबरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन दलित अध्यक्ष को हटाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि केंद्र में खड़गे कांग्रेस का दलित चेहरा है। बहरहाल इंडिया की अगुवाई करने वाली कांग्रेस अच्छी तरह से समझती है कि यूपी के बिना दिल्ली का रास्ता आसान नहीं है। यही वजह है कि यूपी की रणनीति को कांग्रेस हल्के में नहीं लेना चाहती। आज तक ब्यूरो।